Even if you tried, you wouldn't understand it. Maybe something's missing inside of you. Just a bit of sugar. Welcome to Sharda's World. शारदा की दुनिया में आपका स्वागत है। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आज है वेडनेसडे, तकरीबन 5:30 हो रहे हैं। मैं बनाने लगी हूँ पकौड़े और साथ में चाय। दिनेश जी ऑफिस से आ चुके हैं, सावर ले रहे हैं और जब तक सावर लेंगे पकौड़ा भी तैयार हो जाएगा, फिर हम सब चाय और पकौड़ा एंजॉय करेंगे। आज बहुत ही मज़ेदार सा मौसम हो रहा है, झमाझम बारिश हो रही है, तो ऐसे मौसम में पकौड़ा तो बनता है। ये देखिए फ्रेंड्स, कितना अच्छा मौसम हो रहा है। I've been alone for what seems like forever. Try to hold it together, but I'm losing my grip. I need some more. मेरे घर में उड़द दाल का पकौड़ा सबको बहुत पसंद है, तो उड़द दाल का ही पकौड़ा मैंने बनाया है। आ जाओ फ्रेंड्स, बहुत ही यम्मी बना है। खास ऐसा हो पाता आप सभी आ पाते। कोई नहीं फ्रेंड्स, वर्चुअली आप सभी पकौड़ा को टेस्ट कर लो और साथ में गर्मा गर्म चाय। What's it like to be the one that he turns to when he's out of answers? What's it like to be the one that he comes to when he wants to? सुबह की शुरुआत टर्मरिक टी के साथ। What's the like? आज इसकी बारी है, जब तक चाय ठंडी हो रही है ये काम निपटा लेते हैं। चाय पीते पीते ये काम भी हो जाएगा, तो वॉक से आने के बाद सिर्फ सूखने के लिए डालना होगा। और ये काम एक ऐसा है जो कभी नहीं रुकता है, चाहे सर्दी हो, चाहे गर्मी हो, चाहे बरसात हो या शादी ब्याह हो। कपड़े तो धुलने ही हैं। सुबह का यही एक टाइम होता है जब मैं सुकून से बालकनी में खड़े होके अपना टर्मरिक टी एंजॉय करती हूँ। साथ में दिन भर क्या क्या करना है एक आंकड़ा तैयार करके रख लेती हूँ। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई होप मेरे सारे फ्रेंड्स बहुत अच्छे होंगे, मजे में होंगे। सुबह का रूटीन स्टार्ट हो चुका है, हम लोग वॉक पे जा रहे हैं। ये देखिए, ये है अपराजिता का पौधा। मेरे सोसाइटी में बहुत सारे इसके छोटे छोटे पौधे हैं। बड़ा सा पौधा है और उसके नीचे बीज से बहुत सारे पौधे निकल जाते हैं। मैंने अपने गमले में लगा रखा था, पौधा सूख गया है, तो वॉक करके वापस जाते टाइम एक दो पौधे यहाँ से ले जाऊंगी, अपने गमले में लगाऊंगी। विंटर वाले सारे प्लांट सूख चुके हैं और समर का मैं कोई प्लांट नहीं लाई हूँ, सारे गमले खाली पड़े हुए हैं। इसको यहाँ पे लगा देते हैं। एक तो गिलहरी ने बहुत परेशान कर रखा है, जो भी पौधा मैं लगाती हूँ मोस्टली तो वो काट खाता है। धनिया और पुदीना से तो बहुत बड़ी दुश्मनी है, जब भी मैं लगाती हूँ एकदम से टिकने नहीं देता। It doesn't even make sense why I think about you. It was only one night, only that time, and it's not my style to be caught up in the middle like this. आज का ब्रेकफास्ट है रागी का चीला, और रागी के चीला की रेसिपी आप सबसे शेयर कर चुकी हूँ, तो रेसिपी में आज आप सबसे शेयर नहीं कर रही हूँ। रागी का चीला हम लोग तड़के वाली दही के साथ लेंगे और साथ में चाय। तो चलिए फ्रेंड्स, पहले चीला बनाते हैं, चाय मैंने चढ़ा दिया है, नाश्ता करते हैं और फिर आप सबसे मिलती हूँ। Not a lesson learned. Who'd imagined I would crash and burn? सुबह सुबह तो कड़क धूप था, धूप देख के ब्लैंकेट को मैंने मशीन में डाल दिया था, और जैसे ही मैं वॉक से आई बहुत तेज बारिश स्टार्ट हो गई, तो मैं तो डर गई थी पता नहीं ये सूख पाएंगे कि नहीं। लेकिन अभी फिर से कड़क धूप आ गया है, तो इसको सूखने के लिए डाल देते हैं और फिर मैं लंच बनाऊंगी। और लंच में आज मैं फिश करी बनाऊंगी। यहाँ पर मैंने कढ़ाई में तेल गर्म होने के लिए चढ़ा रखा है, और ये है उड़द दाल की बड़ी, इसको फ्राई करके निकाल लेना है। मैं बहुत सारी सब्जियों में ये बड़ी डालती हूँ और आप सबसे शेयर करती हूँ। फ्रेंड्स, ये अमेजोन पे इजीली अवेलेबल है, आप मंगा सकते हो। और अगर उड़द दाल की बड़ी ना हो तो मार्केट में जो मूंग दाल की बड़ी मिलती है सादी वाली, उसके साथ भी बना सकते हो।
लेकिन उड़द दाल की बड़ी के साथ बेस्ट बनता है। हाफ के जी मछली को नमक और हल्दी के साथ मैंने मैरिनेट कर लिया था। मछली को डीप फ्राई करके निकाल लेना है। जब तक फिश फ्राई हो रहा है एक मसाला पेस्ट तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने 1.5 टेबल स्पून खसखस ले लिया है, पॉपी सीड, 4 से 5 हरी मिर्च और 1 इंच अदरक के साथ इसका पेस्ट बना लेना है। तो पहले खसखस को ड्राई ग्राइंड कर लेंगे, फिर हरी मिर्च और अदरक ऐड करके थोड़ा सा पानी के साथ पेस्ट बनाएंगे। अगर एक साथ ही सभी को पीसेंगे तो फाइन पेस्ट तैयार नहीं होगा। और ये देखिए, यहाँ पर मैंने खसखस, हरी मिर्च, अदरक का पेस्ट बना लिया है और 2 टमाटर का भी पेस्ट बना लिया है। टमाटर मीडियम साइज के थे। मछली भी फ्राई हो चुका है, अब मैं सीताफल को फ्राई करके निकाल लूंगी। यहाँ पर मैंने तकरीबन 300 ग्राम सीताफल लिए हैं, उसके स्लाइस कट कर लिए हैं। इसको नमक के साथ फ्राई करके निकाल लेना है। सीताफल की मात्रा आप थोड़ा कम भी रख सकते हो, डिपेंड करता है आप कितना पीस सीताफल ग्रेवी में खाना चाहते हो, उसी हिसाब से ऐड करना है। और सीताफल बिल्कुल पके हुए होने चाहिए, बिल्कुल लाल वाले। सीताफल को फ्राई करके निकाल लेने के बाद कलौंजी, मेथी और सूखी लाल मिर्च का तड़का जाएगा। 2 सूखी लाल मिर्च, 1 टीस्पून मेथी, 1 टीस्पून कलौंजी, फिर टमाटर का जो पेस्ट बनाया था टमाटर के पेस्ट को ऐड कर देना है और खसखस के पेस्ट को भी ऐड कर देना है। फिर इसमें जाएगा 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1.5 टीस्पून मैंने काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड किए थे। काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर आप अपने अकॉर्डिंग टू टेस्ट कम ज़्यादा रख सकते हो, नमक अकॉर्डिंग टू टेस्ट। सारे मसाले को अच्छी तरह से भून लेना है। तो ये देखिए, 1 से 2 मिनट तक मसाले को मैंने भून लिया था और फिर इसमें थोड़ा सा हींग ऐड करना है। मैंने यहाँ पर 1/4 टीस्पून हींग ऐड कर दिए हैं। हींग ऑप्शनल है, आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं। हींग ऐड करने के बाद मसाला के तेल छोड़ने तक अच्छी तरह से मसाला को भून लेना है और फिर इसमें ग्रेवी ऐड होगा। ग्रेवी थोड़ा सा हम ज़्यादा ऐड करेंगे क्योंकि उड़द दाल की बड़ी थोड़ा सा पानी को सोखती है, पानी को एब्जॉर्व कर लेती है। तो तकरीबन मैंने 1 लीटर पानी ऐड कर दिए थे। पानी ऐड करने के बाद एक बार मिक्स कर लेना है सभी मसालों को और फिर इसमें उड़द दाल की बड़ी को ऐड कर देंगे। मैंने जो उड़द दाल की बड़ी फ्राई करके रखे थे उसको ऐड कर देंगे और मछली और सीताफल को भी ऐड कर देना है। मछली और सीताफल को ऐड करने के बाद फिर इसमें थोड़ा सा हरी मिर्च ऐड करेंगे। हरी मिर्च ऑप्शनल है, आप चाहे तो स्किप कर सकते हैं। और ढक के 10 से 12 मिनट तक स्लो फ्लेम पे पका लेना है। वैसे तो सरस्वती ट्यूशंस भी आजकल ऑनलाइन ही ले रही है, लेकिन कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जिसको ऑनलाइन नहीं समझा जा सकता। तो सरस्वती के जो सर हैं वो आज घर पे क्लास लेने आए हैं। बहुत दिन के बाद कोई घर पे आया है। तकरीबन 2.5 महीने पहले हमारी किट्टी हुई थी तो मेरे फ्रेंड्स लोग इकट्ठे हुए थे। उसके बाद से तो बिल्कुल बंद था, किसी का आना जाना नहीं था घर पे। तो आज इतने दिन के बाद सर को घर पे देख के बहुत अच्छा लगा। मछली के साथ सीताफल का मैं पकौड़ा भी फ्राई करूंगी। तो जैसे मैं चावल के पेस्ट में डिप करके पकौड़ा फ्राई करती हूँ वैसे ही करूंगी। आप सबसे रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ और साथ में बनाऊंगी मड़ुए की रोटी। मड़ुआ मीन्स रागी। बिहार में रागी के आटे को मड़ुआ बोलते हैं, मड़ुआ का आटा बोलते हैं। और मछली के साथ मड़ुआ का रोटी बहुत खाया जाता है, बहुत ही अच्छा कम्बिनेशन है। हमारे यहाँ जितिया का फास्ट होता है तो एक दिन पहले मड़ुआ और मछली के रोटी के साथ ही त्यौहार की शुरुआत की जाती है। और हम लोग भी, जो लोग फास्ट नहीं करते हैं उससे एक दिन पहले मड़ुआ की रोटी और मछली मस्ट खाते हैं। तो कभी कभी हम लोग ऐसे भी याद ताज़ा कर लेते हैं मछली के साथ मड़ुआ का रोटी बना के। हमारे घर में हम सबको मछली के साथ मड़ुआ का रोटी बहुत पसंद है। मैं ज़्यादातर मछली के साथ बनाती हूँ। और कटहल का पकौड़ा भी हमारे घर का बहुत ही फेवरेट डिश है। कई बार आप सबसे शेयर कर चुकी हूँ। मोस्टली गर्मी में हफ्ते में 1 या 2 बार बन ही जाता है। फ्रेंड्स, एक बार आप सब भी पकौड़ा ट्राई करके जरूर देखना। कटहल को थोड़ा सा बॉयल कर लेना, ओवर कुक मत करना, और चावल के पेस्ट में इसको बनाना। चावल को 2-3 घंटे के लिए भिगो लेना, फिर लहसुन हरी मिर्च के साथ उसका पेस्ट बना लेना, फिर उसमें नमक हल्दी खसखस ऐड करके एक बैटर तैयार कर लेना, उसमें डिप करके बनाना। उसी में डिप करके मैं आज सीताफल का भी पकौड़ा बनाऊंगी। सीताफल का पकौड़ा भी बहुत ही औसम बनता है। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स बनाते होंगे, जो मेरे फ्रेंड्स नहीं बनाते हैं एक बार ट्राई करना और चावल के पेस्ट में ट्राई करना। उससे बहुत ही क्रंची पकौड़ा बनेगा और थोड़ा सा खसखस भी ऐड करना, बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा पकौड़े का।
हाँ, जो लोग लहसुन पसंद नहीं करते हैं तो पेस्ट में लहसुन मत ऐड करना, हींग ऐड कर सकते हो। तो ये देखिए फिश करी बिल्कुल डन है। मैंने ग्रेवी नहीं रखे थे क्योंकि मुझे रोटी के साथ खाना था। अगर आप चावल के साथ खाना चाहते हो तो थोड़ा सा ग्रेवी रहने देना। और ये है आज के हम सबकी लंच की थाली, मड़ुए की रोटी, मछली, कटहल का पकौड़ा और मिर्च का पकौड़ा, थोड़ा सा सैलेड। थर्सडे और ट्यूसडे को सरस्वती का डांस क्लास होता है, तो डांस क्लास स्टार्ट हो चुका है। सामने जो दो बोतल दिख रहा है, एक में सरस्वती अपना पीने के लिए पानी रखती है और एक बोतल भर के रखती है ताकि आईपैड को सहारा दे सके, गिरे नहीं। शाम का दिया बाती हो चुका है और सरस्वती का डांस जस्ट खत्म होने वाला है, तो अभी मैं डिनर बनाऊंगी क्योंकि जब भी सरस्वती डांस करती है उसको तेज भूख लगती है। डिनर में आज मैं बनाऊंगी डोसा और साथ में छोला। छोला की बहुत सारी रेसिपी आप सबसे शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन आज जो मैं छोला बनाऊंगी थोड़ा अलग तरीके से बनाऊंगी, और इसकी रेसिपी मैं आज शेयर नहीं करूंगी क्योंकि ब्लॉग थोड़ा सा ज्यादा लंबा हो जाएगा। कल का ब्लॉग यहीं से स्टार्ट होगा और आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। अगर थोड़ा भी आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करना, अपने फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर करना। अगर आप सब मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलती हूँ कल एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।